गुड मॉर्निंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी मैं ये वीडियो स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे जो अभी साइको जिनको देना है, ये स्पेशली उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और सबसे पहले तो इतने बैरियर पार करके, यानी कि इतने फिल्टर पार करके, सीबीटी टू में भी पार्ट बी में आपका 35% का फिल्टर लगाया गया था, तो इतने स्ट्रगल करने के बाद जिनका भी साइको का एग्जाम है, सबसे पहले उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। और कुछ बच्चों का क्वेरी इधर इससे संबंधित रह गया है, और लगातार हम कमेंट के रूप में देखते हैं कि पूछते हैं कि खास करके मेडिकल वगैरह के बारे में या प्रायोरिटी के बारे में, तो चाहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा मैं ये कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करूं। इसके बाद अन्य भी बातों पर चर्चा होगी जो एग्जाम से संबंधित होगी, साइको से संबंधित होगी। सबसे पहले तो बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर, मेरा अगर एएलपी फर्स्ट प्रिफ्रेंस में है और उसके बाद हम टेक्नीशियन रखे हुए हैं, अगर हम साइको डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो क्या टेक्नीशियन का पोस्ट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 100% आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप साइको डिस्क्वालीफाई कर गए तब भी आपको टेक्नीशियन का पोस्ट मिलेगा, अगर उसके लायक आपका मार्क्स होगा तो। क्योंकि पोस्ट ऑफ प्रिफरेंस का मतलब ही होता है आपका कि शुरू से लेके लास्ट पोस्ट तक विचार किया जाएगा। अगर बहुत अच्छा मार्क्स आया तो पहला प्रिफरेंस हमारा मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे पे विचार होगा, तीसरे पे विचार होगा, और अंत तक विचार किया जाएगा। दूसरा बच्चों का क्वेरी रहता है कि अगर हम एएलपी को प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखे हैं और अगर हमारा सिलेक्शन हो गया, यानी कि एएलपी अगर हमको मिल गया और बाद में जब मेडिकल होगी, तो उस समय अगर हमारा विजन का प्रॉब्लम होता है या मेडिकली हम अनफिट होते हैं दूसरे भी कारणों से, तो क्या हमको दूसरा पोस्ट मिलेगा? तो आप निश्चित रूप से ये बात जान लीजिए कि अगर एएलपी में फाइनल सिलेक्शन हो गया तो वहीं पर आपका ये पोस्ट लॉक हो जाएगा, और इसके 2-2.5 महीने के बाद लगभग आपका मेडिकल होगा। तो उस समय मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा बच्चों का क्वेरी ये रहता है कि एएलपी को अगर प्रायोरिटी लिस्ट में हम पहले रखे हैं और टेक्नीशियन को बाद में रखे हैं, और हमको बाद में पता चला कि मेरा 6x6 विजन नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में क्या हम एएलपी छोड़ देंगे तो क्या टेक्नीशियन हमको मिलेगा? तो इसके संदर्भ में एक वीडियो भी हम इंटरव्यू स्पेशल एक एएलपी वाले बच्चे का, हम जिनका 2014 में सिलेक्शन हुआ, तो हम लोड किए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें स्पष्ट तौर पर देखा गया था कि वो बच्चे साइको देने के लिए नहीं गया लेकिन उसका टेक्नीशियन में कंफर्म हुआ। तो ये बात आप मान लें कि अगर एएलपी के लायक अगर हमारा विजन नहीं है तो अगर हम साइको छोड़ भी देते हैं तब भी टेक्नीशियन का पोस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चौथा बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि अगर टेक्नीशियन को हम पहले प्रायोरिटी पर रखे हैं, एएलपी को सबसे लास्ट में रखे हैं, तो कट ऑफ पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? तो इसके संदर्भ में आप ये जानिए कि अभी एवरेज जब हम यहाँ बच्चों से बात करते हैं तो लगभग हमको ये प्रतीत होता है कि मैक्सिमम बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे एएलपी को प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखे हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस भी पोस्ट को मैक्सिमम बच्चे किसी भी बोर्ड में प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखेंगे कि तो उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा ही जाएगा, उसके बाद का ही आपको टेक्नीशियन का कट ऑफ रहना चाहिए, एएलपी का कट ऑफ ज्यादा जाना चाहिए। तो जो बच्चे टेक्नीशियन को प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखे हुए हैं, तो उनका जो क्वेरी रहता है कि हमको एएलपी के साइको के लिए बुलाया जा रहा है, क्या हमको एएलपी मिलेगा? तो ये बात आप समझ लीजिए कि टेक्नीशियन को प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखे हैं, अगर इसका कट ऑफ कम जाता है तो स्वाभाविक है कि टेक्नीशियन पहले ही आपका कंफर्म हो जाएगा, और एक पोस्ट कंफर्म हो गया तो वहीं पर आपका लॉक हो जाना है, उसके बाद के पोस्ट पर आपका विचार नहीं किया जाएगा।
अगर किसी बोर्ड में इससे परे हो जाता है कि मैक्सिमम बच्चे टेक्नीशियन को प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखते हैं, या नंबर ऑफ वैकेंसीज टेक्नीशियन का मिनिमम रहता है, उसके वजह से अगर उसका कट ऑफ ज्यादा जाता है किसी बोर्ड में, तो स्वाभाविक है कि वहां पर टेक्नीशियन आपको अगर शुरू में नहीं मिला लेकिन बाद में ड्राइवर का संभावना आपका रहेगा, ड्राइवर आपको मिल सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो और बोर्ड यही सोच करके आपसे आपको साइको के लिए बुलाती भी है, प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी एलपी का पोस्ट रखे हैं तो बोर्ड आपको साइको के लिए बुलाएगी अगर उसके कट ऑफ से आपका ऊपर मार्क्स आया है तो। इसके बाद मैक्सिमम क्वेरी इससे रिलेटेड इतने तरह का रहता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अभी जो आपका रिजल्ट एएलपी सीबीटी 2 का दिया है तो इसमें बोर्ड बाय बोर्ड वेरिएशन बहुत ज्यादा है। हम इससे पहले आपका कट ऑफ का संभावित वीडियो बनाए थे पहले कि 40 से 45 कट ऑफ रह सकता है, बाद में हमको लगा कि नहीं, सारे बोर्ड का कट ऑफ इस तरह से नहीं रहना चाहिए। जब मैक्सिमम बच्चों से हमने बात किया, इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे हम उसको रिवाइज किए और 50 आसपास का आपको टारगेट दिए, लेकिन जो बोर्ड का सिनेरियो है बोर्ड बाय बोर्ड लगातार वेरी बहुत ज्यादा कर रहा है। और जनरल ओबीसी में तो समझिए कि कुछ कुछ बोर्ड में 20 नंबर तक का फर्क पड़ा, और कुछ बोर्ड का अप्रत्याशित ढंग से कट ऑफ भी बहुत ज्यादा रहा। अब जैसे त्रिवेंद्रम ले लीजिए, तो त्रिवेंद्रम का कट ऑफ ज्यादा रहने का यह भी कारण है कि इससे पहले कुछ पहले जो वैकेंसी आती थी तो चूंकि डिस्टेंस मैक्सिमम होने के कारण इधर के बच्चों का वहां का जाना पसंद नहीं करते थे, और जिसके कारण वहां का कट ऑफ कम रहता था, लेकिन यही सोच वाले बच्चों की संख्या अधिक हो गई। और दूसरा कारण रहा कि सीट वहां पर मिनिमम था, बच्चों की संख्या मैक्सिमम हो गई, जिसके कारण उसका मैक्सिमम कट ऑफ जनरल का 67% तक चला गया। उसी तरह से सेंट्रल रीजन का कुछ बोर्ड है वो तो पहले से तय था कि वहां का कट ऑफ आपका ज्यादा रहना है, जैसे अजमेर है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, ये सब का कट ऑफ पहले से था कि ज्यादा रह सकता है, और शायद उसी तरह का कट ऑफ रहा भी है। क्योंकि वहां इसका कारण यह भी है कि वहां के बच्चे लोकल बोर्ड को पसंद करते हैं, तो वहां के बच्चे तो और दूर ज्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, तो लोकल तो फॉर्म भरे ये बात तो सही है, लेकिन बाहर के बच्चे भी वहां पहुंच करके उस बोर्ड में भीड़ उनके द्वारा बढ़ा दिया गया और वो कट ऑफ को प्रभावित किए, कट ऑफ मैक्सिमम पर चला गया। तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ के हिसाब से जो अभी का कट ऑफ साइको के लिए जो बुलाया गया है, आगे फाइनल कट ऑफ भी इसी तरह से रहना है। और देखा जाए तो अभी कुछ बोर्ड में जैसे आपका मिनिमम पर रिजल्ट दिया गया है पटना का, मुजफ्फरपुर का, इसके अलावा मालदा का, भुवनेश्वर का, ये कुछ ऐसा बोर्ड है जहां से पहले से भी एक अंदाजा था कि यहाँ का कट ऑफ कम जा सकता है, वो मिनिमम मार्क्स पे बच्चों को साइको के लिए बुलाया। अब पटना का तो यहाँ तक ऐसा स्थिति रहा कि मात्र 3 गुना यहाँ बच्चों को साइको के लिए बुलाया है। तो स्वाभाविक है कि 3 गुना जब बच्चों को साइको के लिए बुलाया है तो यहाँ के बच्चों को मैक्सिमम राहत रहेगी, यहाँ का कट ऑफ इसी के हिसाब से प्रभावित रहेगा। उसी तरह से मुजफ्फरपुर का भी अगर देखा जाए तो मात्र 4.5 गुना बच्चों को बुलाया गया, क्योंकि 35% के बैरियर में वहां तक बच्चे उनका पूरा ही नहीं हो पाया, जिसके कारण से 4.5 गुना ही रिजल्ट दिया गया, तो यहाँ के बच्चों का भी राहत रहेगा। अब तीसरा जहां तक सवाल है आपका भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर में क्या था कि यहाँ टेक्नीशियन का सीट मिनिमम था भुवनेश्वर में, और तो टेक्नीशियन का सीट मिनिमम रहने के कारण आईटीआई वाले बच्चे वहां कम पहुंचे, वहां मैक्सिमम बच्चे डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे रहे। तो स्वाभाविक है कि ये जो रेशियो प्रभावित करने वाला था ये कट ऑफ को भी प्रभावित किया, और मात्र जनरल का 40%, ओबीसी का 30%, एससी का 30% और एसटी का लगभग 25% पे कट ऑफ गया। तो स्वाभाविक है कि जिनका कम मार्क्स का भी मार्जिन रहेगा तो यहाँ पर फाइनल होने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। तो वही हिसाब किताब आपका मालदा का भी रहा, मालदा का जनरल का 50% गया और ओबीसी का मात्र 30% गया, एससी का भी 30% गया, एसटी का 35% गया, 25% जो फिल्टर दिया गया था। सिल्लीकुरी का भी एकदम मिनिमम पर रहा, जनरल का मात्र 40% गया, ओबीसी का अप्रोक्स 30%, एससी का 30% और एसटी का 26% रहा।
तो स्वाभाविक है कि जिसका कट ऑफ अभी मिनिमम रहा है तो इसका फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ भी उस हिसाब से मिनिमम रहेगा ही रहेगा, बहुत कम का मार्जिन रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, कुछ डेटा है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपसे मैं शेयर करूं तो आपको भी इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कट ऑफ और भी किस तरह से प्रभावित फाइनली रह सकता है। आप देखेंगे कि अभी 64,500 के अप्रोक्स ड्राइवर और टेक्नीशियन को मिला करके वैकेंसी आपका दिया गया, जिसमें 27,000 वैकेंसी सिर्फ ALP के लिए था और 27,000 वैकेंसी में आपका ITI वाले बच्चे, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे, ये सारे बच्चे इसमें शामिल हैं। और जब इसका रिजल्ट फाइनल बनेगा तो इसमें 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 27,000 का अप्रोक्स 50% करेंगे तो करीब 40,000 बच्चों का रिजल्ट इसमें फाइनली लिया जाएगा, दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए 40,000। और कुल मिलाकर के अभी देखिएगा तो 2,03,000 से 4,000 बच्चे, 2,03,000 बच्चे करीब सारे बोर्ड मिलाकर के अभी रिजल्ट दिया गया, साइको के लिए बुलाया गया। तो 2,03,000 में से आपको 40,000-41,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 5 पर 1 बच्चों को फाइनली यहां से सिलेक्शन लिया जाएगा। और यहां से सिलेक्शन होने के बाद बाकी आपका जो सीट बच जाता है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो वहां टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका अप्रोक्स सीट 36,500 बचता है, जिसमें 5,500 सीट करीब आपका PCM वालों के लिए है। PCM में भी कंडीशन है, उसमें बीटेक वाले भी है, डिप्लोमा वाले भी है, ITI वाले भी है, 10+2 वाले भी है, लेकिन अभी उसका चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, अभी स्पेशल ITI बेस्ड टेक्नीशियन पोस्ट का हम चर्चा कर रहे हैं। तो करीब 31,000 सीट आपका टेक्नीशियन पोस्ट के लिए बचता है, और 31,000 का जब आप 50% एक्स्ट्रा करते हैं जो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो इसका फाइनल सिलेक्शन फाइनली आपका 45,000 रिजल्ट दिया जाएगा। अब ये आप मान करके चलिए कि 40,000 बच्चों को अलग कर दिए ड्राइवर में जिसका फाइनल लिया गया, तो इधर 1,64,000 करीब 63,000 बच्चे बचते हैं, 1,63,000 बच्चों में से 45,000 बच्चों को लिया जाना है। अब 1,63,000 बच्चे में डिप्लोमा वाले भी हैं, बीटेक वाले बच्चे भी हैं। अगर डिप्लोमा और बीटेक को हम अलग कर दें तो कम से कम 60,000-65,000 बच्चे जरूर बीटेक और डिप्लोमा वाले होंगे, 60,000 तो जरूर वहां पर होंगे। तो 1,00,000 बच्चों में से 45,000 बच्चों को फाइनली लिया जाएगा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ITI बेस्ड। तो दो बच्चों में से लगभग 2.25 बच्चों में से 1 बच्चों को लिया जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन ITI वाले बच्चों को कितना इजी है। हम फाइनल आपको नहीं बताएंगे कि कितना ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों तक का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.25 बच्चों में से लगभग 1 बच्चों को जब लिया जाएगा तो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा चीज एक और क्वेरी बच्चों का आता है कि अगर हम अभी पार्ट ए में मार्क्स कम होने के वजह से थोड़ा सा कम हो गया, जिसके वजह से हमारा टेक्नीशियन ITI में अभी साइको के लिए नहीं बुलाया गया, क्या हमको बाद में टेक्नीशियन मिल सकता है? तो ये बात आप स्वाभाविक है कि मिलने का तो मिल सकता है, आप दावेदार हैं उसके, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उससे ये सीट टेक्नीशियन का बच पाएगा, क्योंकि उसका इतना स्कोर होगा कि वही बच्चे टेक्नीशियन का सारा सीट ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा होप मेरे ख्याल से कम है, हो सकता है कि ले भी ले, ये कैलकुलेशन का बात है, कितने बच्चे उसके कितना मार्क्स ला रहे हैं उसका बात है। तो मोटा मोटी यही आपका रेशियो है। तो जिन बच्चों का अभी साइको के लिए बुलाया गया है, एकदम पूरा जोर लगा करके उनको साइको का तैयारी करना चाहिए, समय बिल्कुल कम है, अधिक से अधिक ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करना चाहिए। हम पहले भी बताए हैं कि प्लेटफॉर्म का लाइव क्लासेस भी उपलब्ध है, कम समय में हो जाएगा, 3 से 5 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म onlinetest.com पर जाएंगे तो 15 टेस्ट का पैकेज भी उपलब्ध है,
वो भी आप रिचार्ज करा के घर बैठे अपने लैपटॉप या सिस्टम पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब साइको का आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश करना है कि लगातार प्रैक्टिस ना करके एक सुबह बनाए, दूसरा दोपहर बनाए, तीसरा शाम में बनाए। इससे आपका मैक्सिमम एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा, मतलब मैक्सिमम स्कोर आप अच्छे तरीके से कर पाइएगा और ऐसा आपको करना भी चाहिए। चलिए आज इतना ही हम रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर से दूसरा हम बनाएंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, एकदम पूरे जोर शोर से आपको लगना चाहिए, एकदम 100% रिजल्ट होगा और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।